तो दोस्तों एक बार फिर से हिंदी ऑडियंस ने ये बात तो साबित करके दिखा दी है कि भाई हिंदी ऑडियंस अच्छी फिल्मों की दीवानी बिल्कुल नहीं होती है। भाई हिंदी ऑडियंस को जगाने के लिए फेक पब्लिसिटी, फेक पीआर का टीम लगाना पड़ता है किसी भी फिल्म के लिए ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींचने के लिए। अब देखिए, एक फिल्म रिलीज हुई थी इसी हफ्ते, यानी कि जिसने अपना एक हफ्ता पूरा किया है बॉक्स ऑफिस पर कल, जिसका नाम है किल, जिसको लेकर खबरें काफी स्ट्रांग थी। इवन भैया इस फिल्म को जिन लोगों ने देखा सब ने यही बात कही, भैया आज तक इतनी बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी हुई फिल्म हमने नहीं देखी थी। यह फिल्म वाकई में बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी है और इतनी जबरदस्त रियल माउथ पब्लिसिटी के बाद भी अगर इस फिल्म को पहले हफ्ते में लगभग 12 करोड़ का बिजनेस मिलता है तो भाई हम यही कहेंगे ना कि भाई बॉलीवुड के मार्केट में किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए फेक पब्लिसिटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यानी कि ऑडियंस को जबरदस्ती ये बात पिन की जाती है कि अरे नहीं देखने जा रहे हो वो फिल्म, भाई उस फिल्म के बारे में तो इतनी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। लेकिन भाई जिस अच्छी फिल्म का ऐसा प्रमोशन नहीं होगा ना, उनका हाल किल की तरह हो। अब देखिए किल की जब एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1,35,00,000 रुपए का। दूसरे दिन जब इस फिल्म को अच्छा माउथ पब्लिसिटी मिला तो भैया इस फिल्म के बिजनेस में थोड़ा सा उछाल हुआ, यानी कि भैया 2,20,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म को दूसरे दिन मिला। देन उसके बाद भैया तीसरे दिन इस फिल्म को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़कर 2,70,00,000 रुपए का बिजनेस मिला। और जैसे इस फिल्म का पहला वर्किंग डे आता है मंडे के माध्यम से कि भैया धम से इस फिल्म का बिजनेस गिर के आ जाता है 1,30,00,000 रुपए के सामने। उसके बाद भैया इस फिल्म को पांचवें दिन जो कलेक्शन मिलता है वो आंकड़ा रहता है 1,35,00,000 रुपए का। छठे दिन जो कलेक्शन रहता है वो आंकड़ा रहता है 1,24,00,000 रुपए का। और उसके बाद भैया सातवें दिन इस फिल्म को जो कलेक्शन मिलता है वो आंकड़ा रहता है 1,22,00,000 रुपए का। यानी भैया कुल मिलाकर यह फिल्म एक हफ्ते में 11,36,00,000 रुपए का बिजनेस कर पाती है। तो भाई किल में क्या कमी थी? लिटरली जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो अपने कमेंट के माध्यम से उन लोगों को ये बात बोले जो कि भैया कहते हैं कि अच्छी फिल्में बॉलीवुड में नहीं बनती हैं। तो भाई अच्छी फिल्म तो बनी है, बस इस फिल्म का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि भैया इस फिल्म में कोई बड़ा कलाकार, वो कोई बड़ा नामचीन हस्ती नहीं है, बस यही कमी थी इस फिल्म की। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भाई इस फिल्म का जो पेस है, जो स्टोरी लाइन में जो ट्विस्ट एंड टर्न है, जो थ्रिल है, जो एक्शन है, जो ड्रामा है, भाई वो मैंने आज तक किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं देखा। भाई लिटरली मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी अच्छी फिल्म को भी ऑडियंस ने ठुकरा दिया। अगर इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कहूँ कि आने वाले हफ्ते में ये फिल्म बुरी तरह से हटने वाली है सिनेमा घरों से, तो भैया इस फिल्म के लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी गवर्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।